हेलो फ्रेंड्स, आज हम डबल फ्रिल वाला स्लीवलेस टॉप बनाएंगे। आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। एक तो फैब्रिक चाहिए 2.5 मीटर, 1 मीटर अस्तर, टेप, कैंची, चौक। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1.5 मीटर कपड़ा ले लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लो अच्छे से। फिर उसके बाद में यहाँ कोने से पकड़कर फिर से फोल्ड कर देना है, ऐसे कोण जैसा बन जाए। अब हम नाप ले लेंगे, हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। गला हमें लेना है 5 इंच का, ये आर्महोल के वहाँ 6.5 इंच। आर्महोल के लिए हमें यहाँ से 4 इंच लेना है, क्योंकि 3 इंच की पट्टी रहेंगी ऊपर वाली कंधे के वहाँ, और यहाँ से हमको 9 है। ये गुलाई ले लेनी है। अब हमें 21 इंच ले लेनी है। इक्कीस इंच यहाँ से यहाँ तक ले ली है। ये हमारी पहली वाली फ्रिल हो जाएगी, लंबी वाली। उसके ऊपर एक और काटनी है। अब हम इसको काट लेते हैं। ये एक भाग कटकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम ऊपर वाला, ये 21 इंच का है तो 17 इंच का काट लेंगे। ये वाली फ्रेल है, हमको अब ऊपर वाली फ्रेल काटना है। ये 21 इंच है, उसको 5 इंच कम कर लेनी है। पर ऊपर का गला और ये आर्महोल एक सरीका लेना है, एक जैसा ही। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी नीचे वाली फ्रिल कट गई है और ये उसके ऊपर वाली है। ये हमारा टॉप स्लीवलेस है, इसलिए ऊपर लगाने के लिए हमको ये हम पट्टी 3 इंच की काट रहे हैं। 1.5 इंच दोनों में हो जाएंगे, 2 पट्टियां बन जाएंगी। ये हम लंबाई 9 इंच ले लेंगे। ये 2 पट्टियां बन गई हैं और ये दोनों फ्रिल बन गए हैं। अब इनमें नीचे यहाँ पीको करेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकती हैं डबल फोल्ड कर। सिलाई इसमें दिखेगी, इसलिए मैं इसमें पीको लगा रही हूँ। हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। अगर आपका फैब्रिक मोटा है तो आप अस्तर ना भी लें तो भी चलेगा, पर मैं ये पतला है तो अस्तर लगा रही हूँ। छोटी वाली फ्रिल के साइज का काट लेंगे।
ये मैंने छोटी वाली फ्रिल से 1.5 इंच ज़्यादा काट लिया है ताकि इसको डबल फोल्ड कर देंगे नीचे से। ये हमारा टॉप कटकर रेडी हो गया है, पट्टियाँ, डबल फ्रिल और ये अस्तर। अब हम इसको सिलेंगे। अब हम अस्तर में नीचे यहाँ सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट में। अब हम टॉप की स्टिचिंग करेंगे। मैंने ये अस्तर को उल्टा करके बिछा लिया है और ये जो पट्टियाँ बनाई थी ऊपर कंधे के लिए इनको यहाँ ये अटैच कर ली हैं। ये छोटी वाली फ्रिल है उसके ऊपर छोटी वाली फ्रिल ये बिछा ली है। अब ये बड़ी वाली फ्रिल है। हमने इसको पिनअप कर लिया है सभी तरफ से। अब हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको पलटा लेना है। कंधे पर हमको पट्टियाँ 6 इंच चाहिए तो हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये दूसरा वाला पार्ट है जिसमें हमने पिनअप किया है। इसको ये अस्तर के ऊपर ये जो पट्टियां हैं ये सीधा करके इसमें इसको भी पिनअप कर लेना। हमने ये पट्टियों को अटैच कर लिया है दोनों तरफ से। अब इसको ऐसे पलटा लेना है और ये जो पिनअप किया हुआ है इसी पे आधा इंच पे सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें बारीक बारीक सभी जगह ये गुलाई में कट्स लगा लेंगे। कट हमको ध्यान से लगाना है, ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए। कट अब लग चुके पूरे। अब इसको पलटा लेना है। अब यहाँ ऊपर से सिलाई लगा लेनी है दोनों पार्ट में। ये हमने ऊपर से सिलाई लगा ली है दोनों पल्लों पर। अब हम इसको पलटा लेंगे। हमने ये चेस्ट के हिसाब से फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब यहाँ से यहाँ नीचे तक सिलाई कर लेनी है और इस तरफ भी यहाँ से यहाँ नीचे तक सिलाई कर। हमने 18 लिया है, आप अपने हिसाब से जितनी भी फिटिंग हो उतना ले सकते हैं। अब हम इस पर दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली, इस तरफ भी लगा ली है। अब हम इसको पलटा लेंगे। ये हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।